जी अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद तैयब असगर आए। मैं आपको ट्रांसजेनिक काटन का एक फील्ड विज़िट करवाता हूँ। ये वैरायटी है 103 और ये उन अहबाब के लिए है जो कहते हैं कि ट्रांसजेनिक काटन मौसमी कपास में कामयाब नहीं है। दोस्तों, ये फील्ड 1 मई का काश्त है। अभी तक इसको सिर्फ और सिर्फ 1 बोरी यूरिया और 30 किलो DAP दी गई है। 1 बोरी यूरिया 10-12 किलो की 2 एप्लीकेशन और 10 दिन पहले 25 किलो की एप्लीकेशन और जून के मिड में 30 किलो DAP। अभी तक यही खाद है। सूरत हाल क्या आप खुद देख लें। ये देखें जी, नीचे वाले टींडे खिल रहे हैं लेकिन कोई अच्छे नहीं खिल रहे। उसकी वजह गुलाबी नहीं है बल्कि वैसे ही नीचे ऐसे ही टींडे होते हैं, आपको पता। ये देखें, शेडिंग काफ़ी की है लेकिन शेडिंग के बावजूद 15-20 टींडे एक पौधे पे मौजूद हैं। ये देखें, ये मैं मुख्तलिफ प्लांट आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें, शेडिंग के बावजूद फसल बेहतरीन जा रही है। ये देखें, अगर इस पौधे पे टींडे काउंट किए जाएं तो मेरे ख्याल में 25 से 30 के दरमियान तो होंगे। ये देखें, ये देखें, हर तरफ से पौधा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये अभी तक इतने टींडे लेकर भी ऊपर से चल रही है, रुकी नहीं है फसल। ये देखें, ये देखें, ये मैं आपको मुख्तलिफ पौधे दिखा रहा हूँ कि नीचे से ये जमीन है जी, बिल्कुल कोई गोडी नहीं की, एक बार भी गोडी नहीं हुई, हल नहीं चलाया, लेकिन जमीन नीचे से देखें ये रही। ये देखें, और एक प्लांट है। बहरहाल जी, ये सारी ही माशाल्लाह इस तरह है। ओवरव्यू आप देख सकते हैं, लश ग्रीन फसल है, किसी कीड़े का इतना ज़्यादा अटैक नहीं है कि कोई परेशानी वाली बात हो। मक्खी दूसरों की नस्बत थोड़ी ज़्यादा आई, 2 स्प्रे किए, कंट्रोल है अल्हम्दुलिल्लाह। और फ्रूटिंग भी बेहतरीन है, कच्ची भी है, ग्रोथ भी है। अभी ये कुछ पैचेस हैं, ये देखें, बाद का ज़मीनों में ऐसे होता है, आपको पता है, वहाँ पे प्लांट रुके हुए हैं। ये भी आपको दिखाता हूँ, ये देखें, लेकिन ओवरऑल फील्ड जो है वो कच्चा है, ग्रोथ कर रहा है।